दांतों में तमाम तरह की समस्याएं हैं और हम में से हर कोई किसी न किसी समस्या से हमेशा दो चार रहता है। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसी समस्याएं हैं दांतों की। एक खूबसूरत चेहरा भी कितना बदसूरत हो जाता है अगर दांतों में समस्याएं हो जाएं। एक जमाना था जब समस्याएं होने पर दांतों को उखाड़ दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, लेकिन आज अगर कोई समस्या होती है और समय रहते उसका इलाज कराया जाए तो उन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं और मुंह में हमेशा दांत रहेंगे। दांतों की इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हमारे शहर पीलीभीत में एक बेहद कुशल और अनुभवी डॉक्टर आई हैं, जिन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आस्था अग्रवाल। डॉक्टर आस्था अग्रवाल बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित हैं। उन्होंने BDS, MDS, MIDA, MIME किया हुआ है। वो पेरियोडोंटिस्ट हैं और साथ ही साथ इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आस्था अग्रवाल अपनी सेवाएं JP हॉस्पिटल में दे चुकी हैं, नोएडा में दे चुकी हैं और वो सीनियर रजिस्ट्रार रही हैं डेंटल डिपार्टमेंट JP हॉस्पिटल नोएडा में। उन्होंने अपने एकेडमिक करियर में BDS में टॉप किया था। इसके अलावा वो हर तरह की एक्टिविटीज में हमेशा एक्टिव रही हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से दांतों की समस्याओं से निपटा जाए और दांतों में परेशानी होने पर क्या करें और क्या ना करें। आप हैं डॉक्टर आस्था अग्रवाल, जो कि अशोक कॉलोनी में टनकपुर रोड पर अपना क्लिनिक चलाती हैं, जहां पर हर तरह से लोग आते हैं, पूरे विश्वास के साथ आते हैं और उनकी सेवाएं लेकर अपने दांतों को नया जीवन देते हैं। मैडम, आजकल लोगों में दांतों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खासतौर से हमारा जो पीलीभीत का इलाका है और जो तराई का एरिया है, यहाँ पर दांतों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या फैक्टर्स आप इसके पीछे मानते हैं कि जो इतनी बीमारियां दांतों की फैल रही हैं? दांतों की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम जो सही से अपनी रोज़ की जो हमारी प्रैक्टिस है ब्रशिंग की, वो नहीं करते हैं। हम सिंपल ये सोचते हैं कि बस एक मिनट ब्रश कर लें फॉर्मेलिटी के लिए और हमारे दांत साफ हो गए। ऐसा नहीं है। हम दिन में ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, लेकिन ब्रशिंग अधिकतर जनता एक बार करती है। और मुख्य कारण होता है दांतों में समस्याओं का ये जो खाना हमारा जगह जगह फंस जाता है दांतों के बीच में, वही आगे जाकर उन दांतों को गलाता है जिससे कैविटी लगती है और फिर पेशेंट को धीरे धीरे खाना फंसना, ठंडा गर्म लगना या दर्द की शिकायत होने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग दांतों की सही रूप से देखभाल करेंगे, सफाई रखेंगे और हर 6 महीने पे डेंटिस्ट से एक बार चेकअप कराते रहेंगे तो दांतों की समस्या अपने आप कम होगी। जो दांतों में अपने का सफाई के लिए, तो क्या दिन में 2 या 3 बार ब्रश करने की ज़रूरत है? वैसे तो प्रैक्टिकली 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद या सोने से पहले, वो ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस समय जो पानी, तराई के पानी में खासतौर से कुछ खास तरह के केमिकल्स और सल्फेट्स वगैरह हैं, वो इसके लिए खास वजह हैं दांतों के लिए? हाँ, खास वजह हैं, वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसके लिए अगर हम प्योरीफाइड वाटर लें, लेकिन हम ये सबसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कितनी जनता के घर में आपके RO या वाटर प्योरीफायर्स लगे हैं या वो साफ पानी पीते हैं। अगर साफ पानी लोगों तक पहुंच रहा है उससे भी दांतों की समस्याएं काफ़ी हद तक कम होंगी। तो जो लोग प्योरीफायर यूज नहीं कर सकते हैं, क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है कि वो दांतों की सुरक्षा पानी से कर पाएं? उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, जैसे वो नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला करें, पानी को उबाल के उसे ठंडा करके फिर उसको इस्तेमाल करें। पानी को उबाल के इस्तेमाल करने के बाद उसको दांतों में उससे दिक्कत कम रहती है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अपने दांतों को आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाने के लिए केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, क्या ये करना चाहिए? नहीं, मैं प्रैक्टिकली इसको फेवर नहीं करती इसे, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म पेशेंट को ठंडा गर्म लगना, सेंसिटिविटी, पेन या आगे जाके उसका डिस्कलरेशन दांतों का होने लगता है। आजकल TV पे बहुत सारे एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट का एड आता है, क्या ये वाकई में कारगर हैं? कारगर है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हम लोग बस TV पे ऐड देख के पेस्ट खरीद लाते हैं। हम अगर किसी रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर से बात करें और उस वो जो हमें पेस्ट रिकमेंड करता है उसको हम यूज़ करें,
तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि आपको पेशेंट को क्या दिक्कत है और उन्हें किस तरह के पेस्ट से फ़ायदा होगा। तो और ये पेस्ट वाकई में कारगर होते हैं। मैम, आपके यहाँ जो क्लिनिक है, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं? यहाँ पे हम हर तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, आपके मसाला भरने से लेकर चांदी का मसाला हो, चाहे दांत के रंग का मसाला हो, रूट केनाल थेरेपी हो, क्राउन लगाना हो, दांत निकालना हो, अक्कल दाढ़ निकालनी हो। अब तो दर्द रहित इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि आप पेशेंट को बिना किसी तकलीफ के आप उसका दांत निकाल सकते हैं। इम्प्लांट्स आ गए हैं। अब अगर पेशेंट के पास सपोर्टिंग दांत नहीं है कि हम उसको फिक्स दांत दे पाएँ, तो हम स्क्रू वाले दांत लगाते हैं, इम्प्लांट्स, और उससे हम जिसके एक भी दांत नहीं है उसे भी हम फिक्स दांत दे सकते हैं। जो RCT नहीं रूट कैनाल है, ये कुछ लोगों को जानकारी, अधिकतर लोगों को नहीं है, तो ये क्या होती है, वो संक्षेप में बता दीजिए। रूट कैनाल में क्या होता है, हमारे दांत में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर इनेमल जो हमें दिखाई देती है, उसके बाद डेंटी जिससे, और तीसरी होती है पल्प। तो जब तक हमारे दांत में कीड़ा लगता है और वो इनेमल तक रहता है, तब तक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो डेंटीन में आ जाता है, गहराई उसकी बढ़ जाती है, तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ठंडा या गर्म लगता है, वैसे दर्द नहीं है। और जब वो कीड़ा और गहराई तक चला जाता है, पल्प तक, पल्प मतलब जहाँ पे नस होती है, तो वो पेशेंट को दर्द देती है। इसमें हम दांत में से ये नस निकाल देते हैं, जिस जगह पे कीड़ा लगा है उसी जगह पे गड्ढा करके, और उसकी कैनाल्स जो हमारे दांत की नसों की कैनाल्स होती हैं उन्हें क्लीन करके हम आर्टिफिशियल नसें उसमें डाल देते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। तो दांत में, दांत आपका डेड होता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई भी ख़त्म है और नर्व सप्लाई भी, और वो दांत खाने का अच्छी तरह से काम करेगा। जो आपकी RCT है, इसमें कितना टाइम लगता है और पेशेंट को कम से कम कितनी बार आपके पास में आना पड़ता है? अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया है कि अगर पेशेंट को कोई मेन वहाँ पे पस नहीं है, कोई घाव नहीं है नीचे, तो हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करते हैं, क्योंकि आजकल पेशेंट्स के पास समय कम है और पेशेंट्स पूरा ट्रीटमेंट जल्दी चाहते हैं। तो एक सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी होता है, वरना 2 से 3 बार में पेशेंट की रूट कैनाल कंप्लीट हो जाती है। दोनों में क्या फ़र्क है, सिंगल और 2 या 3 में कोई खास फर्क है या सुविधा की वजह बात है? नहीं नहीं, फर्क ये है कि जो पीछे के दांत होते हैं, स्पेशली जो दाढ़े होती हैं, वो बड़ी होती हैं, उसमें कैनाल ज़्यादा होती हैं। उनमें हम एक बार में सिंगल सिटिंग इसलिए अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि पेशेंट कितने टाइम से दवा खा रहा है अपने आप, कितने टाइम से वो पेन में है, ये ज़रूरी नहीं है पेशेंट का भी क्लियर हिस्ट्री दे। जब आगे के हम दांतों की बात करते हैं, चूँकि एक कैनाल होती है, आगे से पेशेंट कभी चबाता नहीं है, तो हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का सिंगल सिटिंग रूट कैनाल हो जाए। मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि दांत हमारी पूरी सेहत से जुड़े होते हैं, और दांतों का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। हम इसको नज़रअंदाज ना करें और इसका ध्यान रखें। हर 6 महीने में, 6 महीने ना हो तो साल में एक बार, अपने पड़ोस में जो भी आपका दंत चिकित्सक हो उससे आप परामर्श ज़रूर लें कि आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो नहीं या होने तो नहीं वाली है, और इससे करके, ऐसा करके आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका संदेश जनता तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।